नामांकन की धुआंधार सफाई आपने की, कल मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर चर्चाएं भी रही, माइक्रो मैनेजमेंट की बात हुई, क्या उम्मीद है किस प्रकार की यहाँ पर रणनीति, हालांकि खुलासा नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूत मोटी बात क्या है जो उपचुनाव को लेकर? देखिए उपचुनाव में हमने आधा मैच तो जीत लिया, हमने जो उम्मीदवार चयन करके दिए हमारा विपक्ष भी लोहा मानता है कि हमने जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे, तो फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता पूरा लग गया है, हमने नामांकन प्रक्रिया भी करी, सभी क्षेत्रों में हम गए भी, वहाँ भी हमने देखा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अभी भी लगे हुए हैं लोग, हमारे देख रहे हैं आप, आपके चैनल्स के माध्यम से भी बराबर आ रही है खबरें कि हमारे कितनी भीड़ जनता उत्साह से और कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रही है, पूरी टीम हमारी एकजुट लगी हुई है, हम चुनाव से भी जीत रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो एक ही सीट थी इन सात में से और अब सात सीटों पर चुनाव है, सरकार आपकी है और आपकी भी चुनौती है क्योंकि आपके कार्यकाल का पहला चुनाव है, उपचुनाव है विधानसभा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, परीक्षा तो है और हमको हर बार परीक्षा देना ही पड़ता है और हमारे काम, हमारे सेवा संकल्प उसके आधार पर नामांकन की धुआंधार सफाई आपने की, कल मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर चर्चाएं भी रही, माइक्रो मैनेजमेंट की बात हुई, क्या उम्मीद है किस प्रकार की यहाँ पर रणनीति, हालांकि खुलासा नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूत मोटी बात क्या है जो उपचुनाव को लेकर? देखिए उपचुनाव में हमने आधा मैच तो जीत लिया, हमने जो उम्मीदवार चयन करके दिए हमारा विपक्ष भी लोहा मानता है कि हमने जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे, तो फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता पूरा लग गया है, हमने नामांकन प्रक्रिया भी करी, सभी क्षेत्रों में हम गए भी, वहाँ भी हमने देखा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अभी भी लगे हुए हैं लोग, हमारे देख रहे हैं आप, आपके चैनल्स के माध्यम से भी बराबर आ रही है खबरें कि हमारे कितनी भीड़ जनता उत्साहवर से और कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रही है, पूरी टीम हमारी एकजुट लगी हुई है, हम चुनाव से भी जीत रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो एक ही सीट थी इन सात में से और अब सात सीटों पर चुनाव है, सरकार आपकी है और आपकी भी चुनौती है क्योंकि आपके कार्यकाल का पहला चुनाव है, उपचुनाव है विधानसभा का। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, परीक्षा तो है और हमको हर बार परीक्षा देना ही पड़ता है और हमारे काम, हमारे सेवा संकल्प उसके आधार पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।